राधे राधे, कैसे हो आप लोग। ये हमारा एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स के। ठीक है, तो इसे करने के दो तरीके हैं। एक तो आप यू इंटू वी रूल लगा के भी आराम से कर सकते हो, दिक्कत नहीं आएगी। और एक है लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करके सॉल्व करना। लॉग की 3 प्रॉपर्टी होती हैं, लॉग एम इंटू एन हमारा इक्वल होता है लॉग एम प्लस लॉग एन के। यहाँ पे क्या हो रहा है, एम इंटू एन दो मल्टीप्लाई में है यहाँ पे एम और एन। ठीक है, अगर यहाँ पे m इंटू एन इंटू कुछ भी और भी होता तो आप उसको भी log m प्लस log n log वो कुछ भी लिख देते। log m की पावर n हमारा इक्वल होता है n इंटू log m के, जो पावर है ना उसको हमने आगे लिख दिया। ये प्रॉपर्टीज़ है, इन्हें ऐसे ही यूज़ करना है, इनको नोट कर लो, याद कर लो। log m अपॉन n हमारा इक्वल होता है log m माइनस log n के। ठीक है, तो अभी हम log की प्रॉपर्टी यूज़ करके इसे बहुत आराम से सॉल्व करेंगे। एक काम करते हैं, इसे कुछ मान लेते हैं, लेट कर लो इसे। लेट y इज इक्वल टू cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x ऑन टेकिंग log बोथ साइड। हमने बोथ साइड log ले लिया तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, log y हो गया। ठीक है, हमने यहाँ पे log लिया है इस साइड भी और इस साइड भी log लिया है, तो log जो भी यहाँ पे लिखा है सब लिख दो। क्या क्या है यहाँ पे, कॉस एक्स है इंटू में कॉस 2x है इंटू में कॉस 3x है। ठीक है, अब देखो आप log m इंटू एन इंटू कुछ है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास, ये log m प्लस log n प्लस log जो ये तीसरा वाला है वो। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है तो इसे यूज़ कर लो। हम प्रॉपर्टी यूज़ कर क्यों रहे हैं वैसे, ताकि ये सॉल्व करने में आसान हो जाए। अभी ये मल्टीप्लाई में नहीं रहेगा। देखो log m जो कि हमारा cos x है प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। ठीक है, तो अब ये मल्टीप्लाई में नहीं रहे, सब ऐड में आ गए इस प्रॉपर्टी को यूज़ करने के बाद। अब इसे सॉल्व कर लो ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमें क्या मिलेगा बताओ। पहले इसको करो, पहले log y को, log का क्या होता है 1/4 में आएगा, तो 1/4 में y है यहाँ पे तो y आ गया। इंटू में y को करो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें क्या मिलेगा dy वाई अपॉन में dx मिल जाएगा। फिर इक्वल टू में log cos x का क्या आएगा, 1/4 में cos x आएगा। फिर cos को करो डिफ्रेंशिएट तो हमें क्या मिलता है, cos को करने पे माइनस साइन मिलता है ना, तो माइनस का साइन x मिल गया। फिर प्लस का प्लस log cos 2x को करो डिफ्रेंशिएट, तो log का होता है हमारा 1/x, यहाँ पे क्या है 1/cos 2x है। फिर इंटू में cos 2x को करो डिफ्रेंशिएट तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का sin 2x। फिर उसके बाद हमें क्या करना होगा, 2x को करना होगा डिफ्रेंशिएट हमें, तो क्या मिलेगा इंटू में 2 मिल जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ो, प्लस का प्लस log cos 3x क्या आएगा हमारे पास, 1/cos 3x। फिर cos को करो तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का साइन, माइनस साइन 3x। फिर 3x को करो तो इंटू में 3। ठीक है, तो इसे थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं हम, ताकि देखने में अच्छा लगे। dy / dx की वैल्यू निकालनी थी हमें, क्या आएगा हमारे पास, y डिवाइड में है, इधर ला के मल्टीप्लाई कर दो, तो y की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है ना, ये वाली y इज इक्वल टू ये, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, cos x इंटू में cos 2x इंटू में cos 3x। हमने जो ये y था इधर ला के मल्टीप्लाई कर दिया, और y जो था हमारा ये था ना, ये हमने पुट कर दिया। और यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में, और sin by cos क्या होता है, sin by cos tan होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, माइनस का tan x। फिर प्लस और इंटू में माइनस है तो माइनस हो गया, sin by cos tan होता है तो इंटू में 2 भी है तो 2 tan 2x हो गया। और यहाँ पे भी माइनस है तो माइनस का माइनस, 3 मल्टीप्लाई में है तो 3 लिख दिया हमने, साइन अपॉन कॉस 10 होता है तो 10 3x। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, यही हमारा आंसर है। आप चाहो तो ये माइनस कॉमन निकाल सकते हो बाहर, आपकी मर्जी है। बाकी आपको ये याद रखना है log कैसे यूज़ करते हैं हम, ताकि ये सॉल्व करने में आसानी पड़े हमें। ठीक है, डन।